एपीएमसी हे एशियातील सर्वात मोठं सब्जी मार्केट आहे, मात्र इथे सोवी सुविधा शून्य आहे. युवा आडतिया सब्जी असोसिएशन कडून अनेक वेळा पाठपुरावा करून देखील इथं घाणीचं साम्राज्य असून सब्जी दलालांना अनेक समस्यांना सामोरे जावं लागत आहे. आज सब्जी दलालांच्या समस्या सोडविण्यासाठी युवा आडतिया सब्जी असोसिएशन तर्फे नवीन कार्यकारिणी घोषित करण्यात आली. अधिकाऱ्यांना घाम फोडणारे शरद सरोदे यांची कार्याध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. अरे युवा आड़तिया के जो अध्यक्ष है बालूजी भाई से इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज उन्होंने ये जो नई बाड़ी प्रस्तुत की है और हमारे को कार्य अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पद दिए. इसके लिए तहे दिल से मैं इनका स्वागत करता हूँ और इनका आभार मानता हूँ. विषय ये है कि एपीएमसी ये एशिया की सबसे यानी जो बोलते हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, परंतु यहाँ के जो कर्मचारी है, यहाँ के जो संचालक है, यहाँ के जो सभापति है, यहाँ के जो सचिव है, ये लोग सिर्फ अपना घर भर रहे हैं और जिन लोगों को इन्होंने 10-12 सालों से विश्वास दिला के उनके परिवार के साथ धोखा करके यहाँ बुलाया कि यहाँ पे आपको एक साफ सुथरा जीवन देंगे, आपकी मूल पूरी सुविधाएं करके देंगे, एक सुंदर आपको दुकान देंगे, परंतु आज 10 से 12 साल से वही जूझ रहे यहाँ पे अड़तिया. आप देख सकते हैं पूरे कीचड़ से भरा हुआ है, घुटने के ऊपर तक कीचड़ होता है, कई माल की गाड़ियाँ फंसती है और ये भुगतमान सिर्फ और सिर्फ अड़तियाओं को भुगतना पड़ता है. और जिस प्रकार से आज एक शौचालय दिए और 500 अड़तिया, एक शौचालय 500 अड़तिया, इसके बाद हमारे युवा अड़तियों का एक आंदोलन होगा और आंदोलन इस प्रकार से होगा कि अगर यहाँ एक गाड़ी लगेंगी, यहाँ पे मैक्सी लगेंगी और जिस जिस अड़तिया भाई को शौचालय के लिए जाना है तो वो हम एपीएमसी अहमद भाई के चेंबर में जाएंगे और अपनी जो भी सुविधा हमारे को चाहिए वो सुविधा वहां से अधिकार से छीन के लेंगे. वो खुद एसी में बैठेंगे, शेष हमारे से लेंगे और वो एसी में बैठेंगे और हमारे को कीचड़ में रखेंगे. तो अब यह हम अड़तिया भाई कोई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है और हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. हमारे तरफ से अभी तीव्र तरीके से इसके पहले भी अधिकारियों को तो अपने चक्कर में घुमाए, क्या है क्या बोलेंगे? यहाँ के जो बांधकाम अधिकारी है मदन जी केदार, बाजार निरीक्षक बागड़े जी, हमने ये जब गए थे अभी सब अड़तिया मिलके गए थे और हमारे को ऐसा लगा कि हम रोज कीचड़ में जो रह रहे तो उनको एक बार आभास करवाना चाहिए वो गंदगी का. तो इसलिए हमारा मोर्चा वहां गया था और एपीएमसी को ताला ठोक रहे थे कि अगर आप हमारे साथ नहीं चले तो आपका कामकाज ठप हो जाएगा, आपको काम नहीं करने देंगे, आपको ताला लगा देंगे. मजबूरन उनको अधिकारियों को हमारे साथ कीचड़ में आना पड़ा और उनको वो भुगतमान भुगतना पड़ा जो हम रोज भुगतते हैं. तो उस बीच में सचिव ने आश्वासन ये दिया कि तात्पूर्ति व्यवस्था हम 2-4 दिन में करते हैं और उसके बाद रोड का जो भी प्रोविजन रुका हुआ है वो जल्द से जल्द 2-4 महीने में करते, क्योंकि उन्होंने जल्द से जल्द बोले तो हमारे एसोसिएशन का काम यह रहेगा जल्द से जल्द, यानी हफ्ते में एक बार डेपोटेशन क्यों नहीं हो रहा है, उनके नाक के नीचे से हम अपने काम करवाएंगे सब्जी मंडी के. और जितनी भी स्वच्छता लाना है, जितने भी शौचालय है वो सब शौचालय उपलब्ध करवाएंगे, पानी के उपलब्ध करवाएंगे. आने वाले समय में अगर सबका योगदान रहा और अच्छा रहा तो हम यहाँ पे सब्जी मंडी में एक बैंक लाएंगे जो हमारे अड़तिया भाई वही पैसा डालेंगे, वही से विड्रॉल करेंगे. आगे की क्या करना है? आगे की तो लड़ाई शुरू रहेंगी. ये जो 144 दुकानें बनाए अड़तिया भाइयों के पैसे से शेष ले लेके, अगर किसी ने शेष नहीं भरा तो उनको जुर्माना ठोकते. ये तो ब्याज की दुनिया लगा के रख दिए, ब्याज भी लेते हैं. कौन सी गवर्नमेंट ब्याज लेती है, लेकिन ये संस्था ब्याज भी लेती है. तो समझो कितना अत्याचार हमारे अड़तिया भाइयों के ऊपर कर रहे. तो वो जो हमारे हक की दुकानें हैं अभी हमारी लड़ाई वो रहेंगी, वो उनसे छीन के दिखाएंगे और हम दुकान लेके बताएंगे. 8 साल से दुकान रेडी रेगुलर के रेट